महू कैंट एरिया में दो बहनों की जासूसी के मामले में मिलिट्री इंटेलिजेंस सहित अन्य राष्ट्रीय एजेंसी भी मामले में पूछताछ में जुट गई हैं। युवतियों द्वारा डिलीट किया गया डाटा उनके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से रिकवर किया जा रहा है। प्रथम दृष्टि से यह सामने आया है कि मामला इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, वहीं बैंक रिकॉर्ड और ट्रांजेक्शन की भी जांच की जा रही है। उसमें जो प्रारंभिक जानकारी मिली है उसको अलग अलग टीमें उस बिंदु को तस्दीक कर रही हैं। उसमें वहां की मिलिट्री इंटेलिजेंस भी है, बाकी पुलिस भी है, क्राइम ब्रांच भी है, कई टीमें उसमें अलग अलग तथ्यों की तस्दीक कर रही हैं। तस्दीक होने के बाद ऐसे जो मामले होते हैं मुख्तार तथ्य होते हैं, तथ्यों की पड़ताल करनी पड़ती है, उनको कोरिलेट करना पड़ता है, उनको एक दूसरे से क्रॉस चेक करना पड़ता है। इन सारी चीज़ों की पुष्टि होने के बाद ही प्रमाणिक तौर पर इनके बारे में कहा जा सकता है। बहरहाल जो तथ्य मिले हैं उसके बारे में अलग अलग टीमें काफ़ी चुस्ती से उसमें काम कर रही हैं। अगर उसमें कुछ ऐसे तथ्यों की पुष्टि होगी तो उसमें निश्चित तौर पर आपके साथ अग्रिम जानकारी शेयर की जाएगी। बहरहाल हर पक्ष पे, हर पहलू पर पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है। कुछ पैसे का लेन देन का रिकॉर्ड है? उसके लिए जो इकोनॉमिक जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जो मुख्य तौर पे इस तरह के जो जानकारियां होती हैं उसके बारे में पुलिस की एक टीम काम कर रही है। मुख्य तौर पे जो गजट और बाकी चीजें जुड़ी हैं उसके बारे में हमारी फॉरेंसिक टीम काम कर रही है। तो इन सारी चीजों को लेकर के जो जानकारियां निकलेंगी उसके आधार पर पूरी तस्वीर निकल करके सामने आएगी, जो आपके साथ फिर साझा किया जाएगा। प्रथम दृष्टया क्या माना जाए, क्या यह इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है या लगता है कि जांच में कुछ ऐसे बिंदु मिले हैं जिससे माना जा सकता है कि इस पे मुख्य तौर पे कुछ ऐसे प्रारंभिक संकेतक होते हैं जो ऐसी घटनाओं का संकेत करते हैं, लेकिन प्रमाणिक रूप से आप तभी कह सकते हैं जब उसमें तथ्य भी उस बात की पुष्टि करते हों, साक्ष्य उस बात को पूरी तरीके से उसको अंडरलाइन करते हों, उसको रेखांकित करते हों। तो बहरहाल अभी कहना प्रारंभिक स्तर पे है, अभी जांच जो है, जो मुद्दे हैं अभी प्रारंभिक स्तर में, जब पुष्टि हो जाएगी इन चीजों की तब आपके साथ प्रमाणिकता के साथ कहा जा सकता है।